दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, बहुत सारे को पता नहीं है रिमाइंडर थ्योरम क्या है, रिमाइंडर कैसे निकाला जाता है, लेकिन हर एग्जाम में रिमाइंडर थ्योरम से क्वेश्चन आता है। नंबर सिस्टम का हर एक क्वेश्चन रिमाइंडर थ्योरम से जुड़ा हुआ है, तो हम लोग आज सीखेंगे रिमाइंडर थ्योरम क्या है, कैसे रिमाइंडर निकलता है। तो देख लीजिए रिमाइंडर, तो मानो 17 को 5 से डिवाइड करना है, तो हम लोग तो भाग करना जानते हैं। 5 3 15, 2 रिमाइंडर आ रहा है। तो रिमाइंडर क्या है? ए है रिमाइंडर, इसको बोलते हैं कोसेंट, इसको बोलते हैं डिविडेंड, इसको बोलते हैं डिवाइजर, और इसको बोलते हैं डिविडेंड। तो रिमाइंडर क्या है? जो शेष फल बचता है, हिंदी को बोलते हैं इसको शेष फल, जो शेष फल बचता है उसको बोलते हैं रिमाइंडर। तो देखिए यहाँ पे एक चीज देखिए आप, डिवाइजर को डिविडेंड कोसेंट से मल्टीप्लाई करने पर और रिमाइंडर को उससे जोड़ने पर डिविडेंड मिल रहा है। क्या डिवाइजर को कोसेंट से मल्टीप्लाई करने से उसके बाद रिमाइंडर को जोड़ने पर डिविडेंड आ रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं डिविडेंड इक्वल्स टू कोसेंट इनटू डिवाइजर, सॉरी डिवाइजर इनटू कोसेंट, कोसेंट डिवाइजर जा डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो रिमाइंडर क्या है? जो भाग करने में जो शेष फल बचता है उसको बोलते हैं रिमाइंडर। ठीक है, तो हम लोग एक फॉर्मूला में हम लोगों को मिला एक डिविडेंड, सॉरी डिवी टी नहीं डिविडेंड, टी नहीं डी डिविडेंड। ठीक है, तो डिविडेंड्स बराबर डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, ये है फॉर्मूला हम लोग को मिला है। तो पहले जमाने में ऐसे क्वेश्चन आता था, क्वेश्चन क्या आता था, क्वेश्चन आता था ऐसे क्वेश्चन ऑन डिवाइडिंग, ऑन डिवाइडिंग 1 to 401 बाई ए सर्टेन नंबर, बाई ए सर्टेन नंबर वी गेट 76 एच कोशेंट, एच कोशेंट एंड 13 एच रिमाइंडर, 13 एच रिमाइंडर। तो व्हाट इज डिविजर? तो इसको क्या है ना, एक संख्या 1 to 401 को एक नंबर से भाग दिया जाता है, उसके बाद क्या बोला है, कोसेंट जो भागफल मिलता है 76 मिलता है, और रिमाइंडर जो शेषफल मिलता है 13 मिलता है, तो डिवाइजर कौन है? ठीक है, तो डिवाइजर हम लोग को निकालना है। तो हम लोग अभी देखा है डिविडेंड बराबर डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर हम लोग देखे हैं। तो देखिए डिविडेंड हमको दिया है कितना, 1 to 401, 1 to 401 इक्वल्स टू डिविजर निकालना है, डिविजर इनटू कोसेंट कितना दिया है, कोसेंट दिया है 76 प्लस रिमाइंडर दिया है आपको 13। तो देखिए इधर मैं कर देता हूँ, अगर रिमाइंडर इधर प्लस है इक्वल्स, इधर प्लस 13 है, इसको अगर मैं इधर ले आता हूँ तो 1 to 401 -13 हो जाएगा, तो डिविजर इनटू 76 जो कोसेंट है, तो 1 to 401, 1 to 401 से 13 माइनस करने से क्या होगा, तो सब्ट्रैक्ट करने से हम लोग क्या मिला, 1 to 388 इंटू डिविजर इंटू क्या मिला 76। तो डिविजर क्या मिलेगा, डिविजर इक्वल्स टू
1 2 3 8 8 by 76। तो कैसे अब वो इसको काटोगे, 76 88 फोर से डिवाइड होगा क्योंकि लास्ट जो 2 डिजिट है वो फोर से डिवाइड हो रहा है। तो 419 जा 76, 43 12 0 30, 43 जा 12 0 38, 4 9 जा 36 28, 4 7 जा 28 19, 19 1 जा 19 11, नेक्स्ट 19, 19 6 जा 114 57, 19 तो 163। तो डिवाइजर कितना है, 163। ऐसे क्वेश्चन आते थे पहले। इसके बाद हम लोग कॉन्सेप्ट पे आएंगे, व्हाट इज पॉजिटिव रिमाइंडर, व्हाट इज नेगेटिव रिमाइंडर। तो कॉन्सेप्ट ऑफ पॉजिटिव रिमाइंडर, कॉन्सेप्ट नेगेटिव रिमाइंडर में आएंगे। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव रिमाइंडर। तो देखिए, मान लो 37 डिवाइडेड बाई 13 एक है, 41 7 43 11। तो आपको ऐसे डिवाइड करने बोला है, ठीक है। इस रिमाइंडर क्या होगा, देखिए पहले तो रिमाइंडर क्या होगा, देखिए 37 से 13 डिवाइड करने बोला है, रिमाइंडर क्या होगा। तो पहले आपको क्या करना है, पहले आपको 37 से नीचे, 13 से डिवाइड होता है ऐसा कुछ नंबर देखना है। तो 13 2 जा 26, 13 3 जा 39 हो रहा है। तो 13 2 जा 26, तो रिमाइंडर कितना बजे, +11, +11 रिमाइंडर बज रहा है। यहाँ पे 7 41 है, तो 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, तो 7 5 जा 35 कितना रिमाइंडर बजे, +6। यहाँ पे 11 और 43, 11 4 जा 44 और 11 3 जा 33, तो +8 रिमाइंडर बज रहे हैं। हम लोग जानते हैं, लेकिन हम लोग अभी कॉन्सेप्ट हम लोग सीखेंगे नेगेटिव रिमाइंडर क्या होता है। नेगेटिव रिमाइंडर आपको 37 है उससे बड़ा संख्या लेना है जो 13 से डिवाइडेड होता है। तो 13 3 जा 39, तो 37 कितना छोटा है, -2 छोटा है। 7 6 जा 42, 41 कितना छोटा है, -1 छोटा है। 11 4 जा 44 यहाँ पे कितना होगा, कितना छोटा है, -1 छोटा है। यहाँ पे 11 3 जा 10 होगा, सॉरी +10, 11 3 जा 33 +10 43, 11 4 जा 44, 43 कितना छोटा है, -1 छोटा है। तो देखिए यहाँ पे टेक्निकली दोनों सही है, टेक्निकली दोनों सही है, आंसर सही है, लेकिन आपको आंसर जो देना है एग्जाम में, फाइनल आंसर आपको सब हमेशा रिमाइंडर प्लस में ही देना है, हमेशा रिमाइंडर प्लस में ही देना है। लेकिन कैलकुलेशन में आप नेगेटिव रिमाइंडर भी ले सकते हो, पॉजिटिव रिमाइंडर भी ले सकते हो। देखो एक और एक चीज देखिए, यहाँ पे दोनों का एडिशन हमेशा डिविजर होगा। 11 2 जोड़ो तो 13, 6 और 1 जोड़ो तो 7, 10 और 1 जोड़ो तो 11 होगा, ठीक है। तो नेगेटिव रिमाइंडर हम लोग पढ़ेंगे क्यों, सीखेंगे क्यों, क्योंकि ये अब आपका जो कैलकुलेट होगा, मतलब कैलकुलेशन होगा, वो बहुत इजी कर देता है। देखिए अगर आपको बोलता है -32 को 5 से डिवाइड करना है, -32 को 5 से डिवाइड करना है, तो आप कैसे निकलोगे। आप नेगेटिव रिमाइंडर नहीं जानते हो, ठीक है, अभी आप सीखोगे तो हम बहुत ही इजी हो जाएगा रिमाइंडर निकालना। तो 32 से नीचे ऐसे कौन सा है जो 5 से डिवाइड होता है, 5 6 30, तो रिमाइंडर कितना होता है, 2 प्लस 2, लेकिन ये माइनस है तो -2 हो रहा है, तो -2 हो रहा है। तो 5 डिवाइड करने से 2 -2 रिमाइंडर हो रहा है, लेकिन मैंने बोला है एग्जाम में कभी भी माइनस रिमाइंडर नहीं लिखना है। टेक्निकली सही है, लेकिन -2 कभी भी रिमाइंडर नहीं होगा, प्लस में रिमाइंडर आपको लिखना है। तो क्या करना है आपको, मैंने बोला था देखो, जो एडिशन करने से, प्लस रिमाइंडर और माइनस रिमाइंडर एडिशन करने से आपको डिवाइजर मिलता है, 13 मिलता है। तो यहाँ से 5 है, तो क्या करना है, इस यहाँ से प्लस तक जोड़ना है, तो +3, तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा, +3 हो जाएगा। तो नेगेटिव रिमाइंडर में डिवाइजर जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, एक्चुअल रिमाइंडर जो मतलब सही आंसर है, प्लस रिमाइंडर आपको मिल जाएगा। तो ये है, और एक चीज़ दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पे जितना भी रिमाइंडर आ रहा है, यहाँ 11 6 10, हमेशा डिवाइजर्स ऑलवेज रिमाइंडर, ऑलवेज लेस देन डिविजर,
हमेशा डिविजर से रिमाइंडर छोटा होगा, याद रखना कभी भी रिमाइंडर बड़ा नहीं होगा डिविजर से, क्योंकि वो तो भाग जाए कट जाएगा ना, इसलिए छोटा हो जाएगा। तो और एक चीज दिखाता हूँ अभी, मान लो 2 को 5 से डिवाइड करने बोला है तो क्या करोगे? 2 को 5 से डिवाइड करने बोला है तो रिमाइंडर कितना हुआ? रिमाइंडर देखिए, 2 5 से डिवाइड करना है, 5 1 5 निकल रहे हैं, तो 5 0 0, सबसे छोटा मल्टीपल कितना? 0 होता है। तो रिमाइंडर तो किसी भी छोटा संख्या के अगर बड़ा संख्या को देके भाग कर रहे हो तो रिमाइंडर सेम संख्या आएगा, 2 आएगा, यानी कि 3 को 7 से तो रिमाइंडर कितना होगा? 3 होगा। ठीक है, ये बाद में बहुत काम में आएगा, ठीक है, आपको कन्फ्यूजन आएगा, लेकिन जो छोटा संख्या होगा वही रिमाइंडर होगा। क्लियर? तो पॉजिटिव रिमाइंडर, नेगेटिव रिमाइंडर। तो इसके बाद देख लेते हैं, अगर 79 × 103 को 11 से आपको डिवाइड करने बोला है तो रिमाइंडर क्या होगा? तो देखिए, यहाँ पे प्लस रिमाइंडर देखेंगे, माइनस रिमाइंडर देखेंगे। अगर 11 7 77 तो प्लस रिमाइंडर 2, 11 क्या होगा? 11 9 99 प्लस रिमाइंडर 4, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। तो हम लोग देख लेते, नेगेटिव रिमाइंडर में अगर हम लोग निकलते तो 8 तो रिमाइंडर आएगा, लेकिन नेगेटिव रिमाइंडर से हम लोग निकल पाते कि नहीं पाते देख लेते हैं। सॉरी, ठीक है, मैंने बोला 79 से बड़ा ऐसे नंबर लेना है, 11 8 जा 88 तो कितना होगा? -9, 11 10 जा 110 तो कितना? -7, तो -9 -7 कितना होगा? माइनस माइनस से प्लस, 9 7 63, इस 63 11 से बड़ा है इसलिए फिर दोबारा डिवाइड होगा। 63 से डिवाइड करने से 11 7 67 77, 11 6 66, 11 5 जा 55, तो 11 5 जा 55 तो कितना आ रहा है रिमाइंडर? 8 आ रहा है। तो देखिए, अगर दोनों नेगेटिव रिमाइंडर सेम आ रहा है, 8 आ रहा है, अगर मैं एक नेगेटिव रिमाइंडर लेता हूँ एक पॉजिटिव रिमाइंडर लेता हूँ तो क्या होगा? एक पॉजिटिव रिमाइंडर तो 11 9 जा 99 तो +4, तो +4 लेने से क्या होगा? 9 4 जा 36, -36। ए माइनस, अब साइन बात दो, 36 11 से बड़ा है इसलिए हम लोग डिवाइड करेंगे, 11 3 जा 36, 11 3 जा 33 तो रिमाइंडर कितना आ रहा है? -3। मैंने बोला अगर जब माइनस में आएगा रिमाइंडर तो आपको डिवाइजर उसके साथ जोड़ देना है +11। तो देखो, सेम रिमाइंडर हमेशा सेम आएगा, रिमाइंडर कभी भी चेंज नहीं होगा। तो +8 आया गया रिमाइंडर। तो आज हम लोग सीखेंगे, सीखा कैसे रिमाइंडर, नेगेटिव रिमाइंडर क्या है, पॉजिटिव रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर कॉन्सेप्ट हम लोग बहुत आसानी से सीखा, बहुत इजी से सीखा। नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे वो सीखेंगे फर्मेट थ्योरी या टोसिन मेथड सीखेंगे, बहुत जो एग्जाम में अक्सर आते हैं, अभी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, हम लोग नेक्स्ट जो क्लास होगा उसमें पढ़ेंगे। तो आज का क्लास यहाँ तक, धन्यवाद।